रुपए में जूता पॉलिश करवा लो भाइयों, आओ 5 रुपए में जूता पॉलिश करवा लो भाइयों, आओ आओ सर, आओ सर जी आइए, 5 रुपए में जूता पॉलिश, 5 रुपए में जूता पॉलिश। अरे मोदी तेरे राज में, 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 अरे मोदी तेरे राज में। बैठो बैठो भाई, मेरा नाम निखिल कांबले है, मैं दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूँ एनएसयूआई का। क्या समस्या है जो आप लोग बूट पॉलिश कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह रही है जो आपको ये सब करना होता? देखो, हम जो युवा है, हम पढ़े लिखे युवा है, ग्रेजुएट युवा है, हम युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरियाँ चाहिए, और ये नौकरियाँ का वादा हमें 2 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में किया था, कहाँ गया ये वादा? हम आज युवा जो है नौकरियों के तलाश में, हमारे पास कोई नौकरियां नहीं, तो हमें कहा गया कि पकोड़े तलो, पान बेचो भाई जी, तो लो आज हम जूते पॉलिश कर रहे हैं। और ये पढ़े लिखे लोगों को समझ में आता है कि उनका दर्द क्या होता है? ये अनपढ़ गवर्नर नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी को समझ नहीं आएगा हमारा युवा, जो पढ़े लिखे युवाओं का दर्द। तो आज जो जूते पॉलिश करके जो पैसे आएंगे ना, उस पर आप GST लगवा लो, और उसी के पैसों से आप प्रचार कर लो अपना, जो हमारे टैक्स पेयर के पैसों से करते हो, जो फॉरेन सारा घूमते हो, सारे विदेश वो हमारे पैसों से घूमते हो, तो ये लो भाई हमारे जूते पॉलिश करवाए, कमाई से घूम लो आप। तो मेरा एक संदेश है कि हम सारे युवाओं की तरफ से कि हमें नौकरियां दो, छोटे वादे और जुमले मत दो। मेरा नाम अक्षय लाकड़ा है, मैंने से दिल्ली का अध्यक्ष। ये मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने के बेस पर भारत देश का युवा बेरोजगार और झूठ पुलिस करके पैसे कमा रहा है, तो क्या कुछ आपको सरकार से अपील है? सर, विडम्बना है, सरकार की है जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आज हम लोग को सलाह देते हैं कि आप पकौड़ा तलिए। एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसे पकौड़ा तलने उसे बदनाम करे, कह रहे कि हम आपके लिए नौकरियाँ दे रहे हैं। रेलवे डी क्लास की जब भर्तियाँ निकलती है तो उसमें कम से कम 10 या 20 गुना लोग अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर आधे लोग या तो PhD होते हैं, MPhil होते हैं, MBA, MBBS, LLB होते हैं, वो रेलवे डी क्लास जॉब के लिए जो +10, +2 के बेसिस पर होता है उसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आज कहीं ना कहीं देश के अंदर युवाओं में रोष है, और हम लोग मजबूर हैं कि आज सांकेतिक धरना हम लोग हर प्रदेश में कर रहे हैं, निश्चय हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाहर, और सरकार को बताना चाहते हैं क्योंकि भारत एक युवा देश है और युवाओं से सरकार है, सरकार से युवा नहीं है। और इस युवा ने ही फैसला कह रहे, जो इन 3 प्रदेशों के अंदर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, वो लोग निराश थे, हताश थे, और उन लोगों ने भाजपा को आईना दिखाया इन 3 प्रदेशों में जो चुनाव में अंदर भाजपा हारी। और आने वाले समय के अंदर जब 50 दिन बाद लोकसभा का चुनाव संपन्न होगा, तो इस देश के युवा जो 13 करोड़ नए फर्स्ट टाइम वोटर, जो पहली दफ़ा अपनी वोट का, मतदान का, मत का प्रयोग करेंगे, वो लोग इस सरकार को आईना ज़रूर दिखाएंगे। स्नेहा, आप आज देश का युवा बेरोजगार है, आप लोग वोट पॉलिश कर रहे हैं, क्या इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इंग्लिश में बता। हिंदी नहीं आती एक्चुअली। I am a student of Hindu College, so like I am doing my graduation, so you can see my seniors all are sitting here, so I am also really confused after 1 year, after completing my graduation, where I should go. I am a student of Delhi University, after getting a degree from Delhi University, if they are like jobless, then what this PM Narendra Modi or what central government can offer to the youths of India? This is our only question, so we will protest until the unemployment rate gets low. Unemployment rate is at the peak now, it's like 7.2 now, so we'll fight until our demands are accepted.
देश का युवा बेरोजगार है और जिस मुद्दों को लेकर के सरकार सत्ता में थी, अब उसको आप क्या चुनौती फेस करेंगे? Myself Vinila Krishnan, I'm studying in DU. So far the unemployment rate is too high in so far. So myself, I'm from DU, I'm studying in DU. So after this we have seen many people is not employed but got right education at the right time. But still, I don't know what is going on here. I think it's because of the central government, and they have to do something for the youth and for the security of the youth. And we from the NSUI side will fight till the unemployment rate gets very low, and we'll fight till we get justice. Ye aapka campaign Delhi mein hai ya desh ke alag alag rajyon mein? We had started from Delhi right now, and it will spread to many areas because the India is facing a very large, very huge problem, and this problem is unemployment. Unemployment, it leads to scarcity of money, whatever it is, and and India is facing too much problem, which leads to many riots, etc. in coming future. So we have to do something or the other for the youth. It's not only in Delhi, the whole India should be employed, because if they are educated, obviously they should get job, and the government has to do something or the other, and not that 10% reservation, it's not the thing that they have to do, but I think they have to do something for the youth, because if they give reservation, what is the use for that? I don't think so that. But we want the biggest problem India is facing is unemployment. So NSUI will of course fight for it till we get the justice.